Hello everyone, welcome back. So today we are going to see the metal AM process. इसके अंदर हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में जो कुछ भी मेटल का प्रोसेस है, क्योंकि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हमने जो एडवांस जैसे कि केमिकल प्रोसेस या फिर अपना बाकी के जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग होने दो, ये सभी प्रोसेस हमने ऑलरेडी सीखा है। तो अभी यहाँ पर हम 3D प्रिंटिंग या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है जिसको हमने स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर अभी ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने एक्सट्रूजन प्रोसेस, स्टेरोलिथोग्राफी जैसे प्रोसेसेस हमने ऑलरेडी देखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं, लिंक्स मैं कमेंट में दे दूंगा। तो अभी इस प्रोसेस में हम मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स तक वीडियो पहुंचे, उनको भी इसके बारे में पता चले। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, काफी उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जैसे कि मटेरियल को लेयर बाय लेयर हम ऐड करते हैं। दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव। हम जो सीएनसी वगैरह यूटिलाइज करते हैं उसके अंदर हम सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मटेरियल को रिमूव करके ऑब्जेक्ट्स को शेप्स देते हैं, बट यहाँ पर हम मटेरियल को ऐड करते हैं लेयर बाय लेयर। तो इसके अंदर मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कैसे किया जाता है, इसके पहले हमने स्टेरोलिथोग्राफी देखा है, जिसके अंदर प्रोसेस के अंदर एक तकनीक होता है जिसके अंदर मटेरियल को सॉलिडिफाई किया जाता है लिक्विड के अंदर, और भी हमारा एक्सट्रूजन जैसे कि प्लास्टिक्स के कोई कंपोनेंट्स बनाने हैं तो जो हमारा प्लास्टिक्स है, पॉलीमर है, उसको मेल्ट करके अप्लाई किया जाता है लेयर बाय लेयर। तो ये 3D प्रिंटिंग में हमने देखा है। तो यहाँ पर भी मेटल को डायरेक्टली कैसे मेटल को यूटिलाइज करके 3D प्रिंटिंग कैसे किया जाता है, तो बल्कि यहाँ पर मेटल का पाउडर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर लेयर बाय लेयर अप्लाई किया जाता है और उसको हीट करके लिक्विडिफाई करके तो वो लेयर बाय लेयर ऐड करते ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर अभी जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर बेसिक लेसर मेल्टिंग विद द मेटल पाउडर यानी कि जैसे कि लेसर टेक्नोलॉजी या फिर ईडीएम टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेल्टिंग पर्पस ऑफ द मेटल पाउडर। तो इसके अंदर डायमीटर जो होता है वो लेसर का 100 माइक्रोमीटर रहता है एंड पावर जो होता है 200 वाट टू 1000 वाट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो डायरेक्टली चलिए देखें हम प्रोसेस को। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे कि एक पाउडर जो है उसका लेयर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पाउडर का जो है लेयर ऐड किया जाता है, यहाँ पर लेसर बीम जो है उससे हिट किया जाता है उस लेयर को। अभी ये जो ऑलरेडी जो है ये पाउडर अप्लाई किया गया है तो लेसर से हीट अप्लाई किया जाता है और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है पाउडर वहाँ पर, तो ये एक लेयर ऐड हो चुका है। सो दिस इज वन टेक्निक व्हाट यूटिलाइज बींग यूटिलाइज। तो यूजुअली मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में टाइप्स जो है वो पाउडर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ब्लोन पाउडर टेक्नोलॉजी, ये दो है। तो इसके अंदर सब कैटेगरी में लेसर बीम मेल्टिंग आता है, इलेक्ट्रॉन बीम होता है और 3D प्रिंटिंग और इंकजेट प्रिंटिंग जैसे टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन हो गया तो उसी को हम जानते हैं। यहाँ पर किस तरह हम ये जो लेसर बीम मेल्टिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग है उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें वही चीज़ जो है मैंने ऐड किया है। तो लेयर बाय लेयर मटर ऐड करते हुए हम बिल्ड करते हैं पार्ट को, रिपीटेडली उस साइकिल को रिपीट करते हैं। तो वही चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को जो कुछ भी आपको अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर रिपीटेडली वीडियोस को सुन सकते हैं।
तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है जैसे कि लेसर बीम मेल्टिंग है, तो इट इज वन ऑफ द टाइप जिसके अंदर अभी यहाँ पर देखिए पाउडर लेयर, ये जो सरफेस है उसके ऊपर क्या किया जाता है, ये इस रोलर और ब्लेडर जो है उससे यहाँ पर पाउडर अप्लाई किया जाता है और उसको रोल किया जाता है। एक लेयर पाउडर अप्लाई करने के बाद लेसर से उस पाउडर को मेल्ट करके सॉलिडिफाई किया जाता है। लेयर बाय लेयर सेम प्रोसेस को कंटिन्यूअसली जब तक पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसको लेयर बाय लेयर पाउडर अप्लाई किया जाता है, उसको हीट करके लिक्विडिफाई पहले किया जाता है और जिसकी वजह से बाइंड हो जाता है, यानी कि मटेरियल पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और जुड़ जाने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये प्रोसेस है लेसर बीम। इसमें इसके अंदर लेसर टेक्नोलॉजी यूटिलाइज किया जाता है हीट जो मैटर पाउडर को लिक्विडिफाई करने के लिए, तो लेसर बीम जो है उसको इस्तेमाल किया। सिमिलर केस आपका यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है उसके जो बनाया गया है, अलग अलग जो टूल इंसर्ट्स है या फिर ये आप देख सकते हैं टर्बाइन ब्लेड है, तो इस तरह अलग अलग चीजें हम कॉम्प्लेक्स जो शेप्स में होते हैं उन सभी चीजों को हम बना सकते हैं इसके अंदर, तो वो भी मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पर देखिए कुछ टाइप्स ऑफ मशीन्स जो है इस तरह आपको दिखेंगी, मशीन्स जो भी 3D प्रिंटिंग के मशीन्स होती है, क्लोज के CNC मशीन जैसे होती है उसी तरह है। तो इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग में अभी वहां पर लेसर टेक्नोलॉजी यूटिलाइज किया जाता जिसके अंदर लेसर से लिक्विड को मेल्ट किया जाता, बट यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है उससे क्या किया जाता है, जो पाउडर अप्लाई किया जाता है एक लेयर उसको मेल्ट करने के लिए एंड देन सॉलिडिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक हाई इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है उसको जनरेट किया जाता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में भी डिस्कस किया है प्रीवियसली भी, मेरा एक वीडियो है उसके अंदर आप जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक उसका प्रोसेस का डायग्राम है, तो यहाँ पर एक कॉयल होता है, द इलेक्ट्रॉन बीम इज मैनेज्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स प्रोवाइडिंग एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्यूरेट बीम कंट्रोल। तो कॉइल्स रहते हैं तो उससे यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करते हो जो हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसी हीट से आप मेटल को मेल्ट, तो हम प्रोसेस को नहीं डिस्कस करते, मैकेनिज्म जो है उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करें जिसको इस्तेमाल करके आप यहाँ पर 3D प्रिंटिंग जो है उसको किया जाता है। तो आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है मेल्ट करने के लिए, तो लेयर बाय लेयर। आगे एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह 3D प्रिंटिंग एक्चुअली होता है क्या करके। वीडियोस मिस मत कीजिए, आगे आने वाले वीडियोस भी देखिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस है डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। तो इसके अंदर क्या रहता है, पाउडर को आप प्रीवियस जो देख रहे हैं उसके अंदर पाउडर को एक लेयर कंप्लीटली अप्लाई किया जाता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम या फिर लेसर बीम से आप मेटल पाउडर जो है उसको लिक्विडिफाई करके देन जो बाइंड होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है इमिडिएटली। पर यहाँ पर पैरेलली जो नोजल है, नोजल से आपका पाउडर जो है ऐड करते जाते हैं और पैरेलली उसके साथ लेसर लाइट जो है जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी पैरेलली किया जाता है। तो यहाँ पर अभी आपको दिख सकता है कि ये डायग्राम में क्लियरली वो पाउडर भी अप्लाई किया जा रहा है लेसर, तो उसकी वजह से मेल्ट पूल लेयर जिसको कहा जाता है, यानी कि हीट अप्लाई करने के बाद ये पहले मेल्ट हो जाता है और उसकी वजह मेल्ट होने की वजह से जो पाउडर रहता है वो बाइंड हो जाता है, बाइंड होने के बाद सॉलिडिफाई होता है, तो लेयर बाय लेयर ऐसे ही ऐड करते जाते हैं। तो इसका एक कुछ एडवांटेजेस है कंपेरेटिव टू लेसर मेल्टिंग एंड ये जो है प्रीवियसली इलेक्ट्रॉन बीम या फिर जो लेसर जो हमने दो देखा, तो इस प्रोसेस के अंदर कुछ हम प्रोसेस को जो कुछ हद तक जो है उसको फास्ट कर सकते हैं, बट डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके अंदर जो फ्रीडम्स या फिर जो कॉम्प्लेक्स हम चीज़ों को उस प्रोसेस में बना सकते हैं वो यहाँ पर नहीं बना सकते, तो ये कुछ डिफरेंसेस है। एंड तो यहाँ पर भी कुछ मेंशंस किया है, दिस टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ हाई प्रोडक्टिविटी देन सिलेक्टिव लेसर, जो
जो चीज़ मैंने कहा वही यहाँ पर मेंशन किया। एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ लार्जर पार्ट, बड़े बड़े पार्ट्स हम बना सकते हो, बट द फ्रीडम इन द डिज़ाइन इज मच मोर लिमिटेड। तो जो उधर कॉम्प्लेक्स हम कॉम्प्लेक्सिटीज बना सकते हैं डिज़ाइन्स, तो वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन्स यहाँ पर हम नहीं बना सकते। सो दैट इज द डिफरेंस। फॉर इंस्टेंस लैटाइस स्ट्रक्चर एंड इंटरनल चैनल्स आर नॉट पॉसिबल। तो ये लैटाइस स्ट्रक्चर एंड इंटरनल चैनल्स जो है वो मैं बताऊंगा आपको क्या है करके, आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो 3D प्रिंटिंग है उसके अंदर, या फिर जिसको हम एडवांस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो कहते हैं, उसके अंदर ही एक 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर कितना वास्ट है, कितना डेवलप्ड चीज़ है, क्योंकि हम किस तरह कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसके अंदर बना सकते हैं, लाइट वेट चीज़ें बना सकते हैं। इट्स अमेजिंग। अगर आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें अगर आपने किया है तो आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाती है। तो वो भी मैं वीडियो में यहाँ पर दिखाऊंगा। अगर डेफिनेटली आप 3D प्रिंटिंग कर रहे हो तो इट्स गुड, आपको मैं कहीं पर देखा है या फिर आपने खुद प्रैक्टिकली किया है तो गुड, और अच्छा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेसर प्रोसेस है उसका एक डायग्राम जो हमने यहाँ पर दिखाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे आने वाले वीडियो में हम 3D जो 3D प्रिंटिंग के स्टेप्स है उनके बारे में देखेंगे, और उसके बाद जो प्रोसेस जो है उसके रिलेटेड एक वीडियो भी हम देखेंगे, 3D प्रिंटिंग जो एक्चुअली हो रहा है मेटल का नहीं, बट बल्कि हमारे पास एक प्लास्टिक का है, पॉलीमर का, तो उसको हम देखेंगे। और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम 3D प्रिंटिंग करते हैं, तो उसके अंदर एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, पोस्ट प्रोसेसेस कौन से होते हैं, तो इनको भी हम जानेंगे वहां पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए।